क्या पंडित नेहरू का घटता का देख घबरा गए राहुल गांधी? क्या विदेश जाकर मोदी ने लिख दी अमिट कहानी? अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी की तरह ही मोदी के नाम भी जुड़ गया बहुत बड़ा कीर्तिमान। जेलेंस्की जानते हैं भारत में मोदी, दुनिया में मोदी, धरती पर मोदी ही हैं जो यूक्रेन को रूस से बचा सकते हैं। तो क्या सच में कोई ऐसी डील हो गई है? जिस वक्त दिल्ली में पीएम मोदी प्लेन से उतर रहे थे उस वक्त राहुल गांधी ने जाति का मुद्दा नए सिरे से छेड़ दिया। क्या उन्हें पता चल चुका है कि भारत पीओके पर बड़ी तैयारी कर रहा है? दो तस्वीर दिखाते हैं आपको। पहली तस्वीर है साल 1987 की, जब राजीव गांधी श्रीलंका के दौरे पर गए थे। उस वक्त उन्हें सलामी देते वक्त एक सैनिक टूट गया था। पर जब पीएम मोदी एक दुश्मन देश में जाते हैं तो क्या होता है? श्रीलंका हमारा हमेशा से मित्र देश रहा है, लेकिन यूक्रेन कभी दुश्मन तो नहीं लेकिन दोस्त भी नहीं रहा। अमेरिका के कंट्रोल में रहने वाले देश में पीएम मोदी का कदम रखना किसी बड़ी घटना से कम नहीं। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, बताते हैं कैसे उस एक तस्वीर ने हिंदुस्तान को नया बल दिया। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जेलेंस्की की मुलाकात की तस्वीर है। करीब महीने भर पहले जब वो जेलेंस्की अमेरिका गए तो उनकी मुलाकात वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुई। पर एक ऐसा वाक्या हुआ जिसके कारण जेलेंस्की के चेहरे का रंग ही उड़ गया। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने संबोधन के दौरान जेलेंस्की को पुतिन कहकर बुलाया था, यानी साफ है जो बाइडेन यूक्रेन की मदद क्या ही करते जब उनके मन में भी पुतिन का खौफ बैठा था। अब आपको एक बेहतर और बहुत बेहतर तस्वीर दिखाते हैं। ये है पीएम मोदी और जेलेंस्की की तस्वीर। पीएम मोदी ने जब जेलेंस्की को गले लगाया मानो वो रो देंगे, भावुक हो गए, एकदम चेहरा शांत, आंखें लाल हो गई। उनके हाव भाव को देखकर लगता है यूक्रेन को जैसे भारत से कोई बड़ी आस हो। पीएम मोदी उन्हें ढांढस देते रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब कोई छोटा देश जंग के मैदान में होता है तो वहां की आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा खराब हो जाती है। रोजगार, पर्यटन और पढ़ाई पर गहरा असर पड़ता है। यूक्रेन भारत की धरती पर क्यों था पहले ये समझते हैं। दुनिया में भारत इकलौता देश है जो समझौता करवा सकता है। भारत की बातें दोनों सुन सकते हैं। रूस को भारत के अलावा चीन समझा सकता है, लेकिन यूक्रेन पर चीन कुछ नहीं बोल सकता। यूके भी यूक्रेन को समझा सकता है लेकिन वो रूस को नहीं समझा सकता। ये बड़ी मजबूरी है। भारत की ताकत यहीं बढ़ जाती है क्योंकि ऐसा काम भारत की तरफ से पीएम मोदी कर सकते हैं। जेलेंस्की को ये अच्छे से पता है कि भारत इस मुश्किल वक्त का आसान रास्ता निकाल सकता है, इसलिए आंखें भर आईं, दिल थम गया और गला रुंध गया था। शायद इस तस्वीर की कीमत आप दूर से ना समझ पाएं। पीएम मोदी ने अब तक जितने विदेशी दौरे किए उनमें सबसे कीमती पल यही कहा जाने लगा। अमेरिका जिस देश को अपना कहता है, जिस देश के दम पर वो रूस को आंख दिखाना चाहता है, वहां का नेता पीएम मोदी की तरफ देखकर भावुक हो जाता है। ये कोई छोटी घटना नहीं कही जा सकती। हालांकि युद्ध रोकने की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे ही पीएम मोदी दिल्ली के लिए यूक्रेन से निकले थे वैसे ही पुतिन ने जेलेंस्की को फोन किया था, ऐसा दावा मीडिया में किया जा रहा है। इसके बाद ही दोनों देशों में समझौता हुआ कि जिन लोगों को युद्ध के दौरान बंदी बनाया गया उन्हें रिहा किया जाएगा। ये कोई छोटा कदम नहीं है। इधर पीएम मोदी के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने भांप लिया कि जो कद छोटा करने की कोशिश थी वो फिर से नाकाम हो गए। भारत में बेशक पीएम मोदी का कद छोटा होता दिखाया जा रहा है, लेकिन विदेशों में उनकी धमक बड़ी है। गठबंधन सरकार के मुखिया होने के बाद अमेरिका के जबड़े में हाथ डालकर नरेंद्र मोदी ने रूस को यह समझा दिया कि आने वाला वक्त अगर अपना बनाना है तो यूक्रेन को माफ कर देना चाहिए। इसीलिए इस तस्वीर में जेलेंस्की की आंखों में जो उम्मीद के भावुक पल हैं वो जो बाइडेन के जाने के बाद नहीं दिखे, वो मोदी को गले लगाने के बाद साफ देखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट।